आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज वसीम के साथ। आज इंडी शहर के मिनी विधानसभा और तहसीलदार ऑफिस के सामने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ, खास तौर पर किसान विरोध, जमीन एपीएमसी कानून और कार्मिक कानून में जो तब्दीली लाई गई, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के चलते 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। इसलिए आज इंडी मिनी विधानसभा के सामने सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह में तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे।